आज के दिन भारतीय संविधान संसद में हुआ था पारित। कितना मानते हैं हम संविधान को और कितना संविधान निर्माता को। हुसैनपुरा चौक का पार्क देख देश दुनिया हंसती है स्मार्ट सिटी पर। शर्म करे सियासत, गंभीर नहीं प्रशासन। पैसों के चलते बाबा जी के बुत बना छोटा, पार्क पर गंदगी का डेरा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, हम आपको दिखा रहे हैं शहर का हुसैनपुरा चौक और आज हम दिखाएंगे ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे आप देखकर रह जाएंगे दंग। तो हम चौक की हाल बताएंगे और आज हम बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय संविधान दिवस है तो कुछ बातें हम संविधान की कर लें, कुछ बातें हम करेंगे संविधान निर्माता की। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो ये मंदिर कहें या पार्क कहें, कुछ भी कहें, ये चार दीवारी है और यहाँ पर ऐसे पोस्टर भी लगे हैं। जब बात फिल्मों की थी तो यहाँ पर गंदे पोस्टर भी लगाए जाते थे। तो हम आपको बताते हैं और हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा सूरत हाल कि जो पार्क है और जो मंदिर है और जो संविधान निर्माता हैं उनकी हम सब बात बताएंगे और हम ले चलते हैं अब आपको चार दीवारी के अंदर और दिखाते हैं शहर का, देश के सबसे 10 स्मार्ट सिटी में ये स्मार्ट शहर है और स्मार्ट शहर की तस्वीर क्या है। तो हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे, अभी हम ले चलते हैं आपको चार दीवारी के अंदर। तो आप देख सकते हैं पार्क का मुझे कोई गेट तो नहीं मिला, लेकिन जो रास्ता मिला उस रास्ते हम लिए चलते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं पार्क। तो पार्क दिखाते हैं और पार्क की दशा बताते हैं कि बस अड्डा के बिल्कुल पास में है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि ये शहर है, दानी सज्जनों का शहर है, लेकिन आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध पेड़ पे हैं। तो ये महात्मा बुद्ध हैं, ये पेड़ पे हैं। तो ये शहर के सबसे चौक है ये, क्योंकि यहाँ से बस अड्डा बगल में है, यहाँ से हर स्टेट के लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन इस पार्क की खूबसूरती देखकर शायद वो फ़ोटो भी खिंचवाते हों और शायद वो तालियाँ भी बजाते हों। तो ये स्मार्ट सिटी का पार्क है और वो ऐसा पार्क है जो शहर की धड़कन है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और पार्क की कहानी मैं बताऊँ, ये कहानी मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़ी है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़ी है, क्योंकि 25 साल के मेरे पत्रकारिता के इतिहास में मैंने जब जब भी मौका पाया है तो इस पार्क की आवाज़ उठाई है। हम आपको दिखाते हैं, ये सामने महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पार्क का हाल भी हम आपको बताएंगे और हम बताएंगे ये पार्क कैसा है। सबसे बड़ी बात कि इस पार्क जहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं वहाँ का ये पार्क, बीचों बीच शहर का पार्क, आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है, हर कोई गुजरता है यहाँ से, लेकिन ये इस पार्क की हालत किसी को दिखाई नहीं देती। मैं आपको बता दूं कि मैंने ही ये डॉक्टर राजकुमार से ये सवाल उठाया था ये पार्क की हालत कब सुधरेगी, तो उन्होंने कई बातें की थी। उन्होंने कहा था कि ये पुरानी बात है, चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन उसके बाद पार्क की हालत सुधार दी जाएगी। तो पार्क की हालत सुधरे ना सुधरे, लेकिन राष्ट्रीय संविधान दिवस को पूरे देश में जब आज संसद ने आज लागू कर दिया था और उसके बाद में इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, आज पास हुआ था संसद में, आज हम उस संविधान लिखने वाले निर्माता अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के इस मूर्ति के पास चलते हैं। पहले हम दिखाते हैं आपको ये तो हम आपको बताएं कि क्या बात है कि इतना कद ऊंचा लेकिन बुत में कद नीचा क्यों कर दिया, बोना क्यों कर दिया। अगर पैसे नहीं थे तो और लगा लेते, नहीं तो धड़ ही लगा देते, तो इनका कद कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आने और जाने वाले राहगीरों को बोना दिखाई देता होगा। लेकिन ये क्या मूर्ति, ये जो कद है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर हमने लगाई है तो सम्मान के साथ लगाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात पार्क के अंदर की हम दशा आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर हो और वहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगी हो, वहाँ पे देख सकते हैं कि गोबर है तो इसका मतलब है कि गाय पशु यहाँ पे आते ही हैं। कैसे आ जाते हैं मैं नहीं जानता। देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान, उनके बुत भी संविधान की रक्षा करता है और देख सकते हैं कि कोई ना कोई, यहाँ मैं समझता हूँ कोई भिखारी होगा जो भीख मांगकर या कोई मजदूर होगा जो इनके बुत के नीचे देख सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बुत के नीचे एक ज़िंदगी भी गुजारी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पार्क में हरियाली कहाँ, हम आपको और भी लिए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं पार्क की दशा बताते हैं। और हमें मुझे कहने से दुख होता है कि मैंने यहाँ पर भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी है, यहाँ तक कि इंसानों द्वारा भी गंदगी फैलाई गई है, यानी कि मलमूत्र त्याग करने के भी यहाँ पे लक्षण हैं। तो ये मंदिर है और आप देख सकते हैं ये पार्क है। तो शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को और शर्म आनी चाहिए यहाँ के जो भी मेयर हैं और जो यहाँ के काउंसलर हैं,
जो यहाँ के जनता है कम से कम सवाल तो उठाए। देख सकते हैं ये चूहों का आशियाना बन गया है क्या, शहर में हरियाली नहीं, शहर का वो ऐसा पार्क जो हुसैनपुरा का पार्क, हुसैनपुरा चौक का पार्क हो और उसकी हालत इस तरह हो, मैं समझता हूँ कि ये शहर के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये शहर के लिए शर्म की बात है। देख सकते हैं ये पार्क मंदिर बना हो, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर हो और बगल में ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का बुत हो और वो पार्क की हालत ऐसी हो, देखकर सुनकर बहुत ही दुख होता है। तो कुल मिला के हम आपको बताएं, आज का दिन बहुत गमों भरा भी है क्योंकि आज के ही दिन मुंबई में हमला हुआ था और हमले में काफ़ी लोग मारे गए थे, नियर अबाउट 166 लोग मरे थे। और आज ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, आज ही ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिकारों का विधेयक पारित हुआ था और इसी के साथ ही आज संविधान दिवस भी है। जी हाँ, तो आज हम आपको बताएं हम कितना संविधान मानते हैं। हम सबसे पहली बात, हम कोरोना काल को ही देख सकते हैं इस संकट में, संविधान ये नहीं मानना कि कोई भी आप कानून तोड़े, कानून मत तोड़े, कानून की बात माने और कानून क्या कहता है। तो आज सजग है अमृतसर, अच्छी बात है, काफ़ी लोग आज मास्क पहन के निकले हैं। मेरी यही गुजारिश है कि जो भी निकले मास्क पहन कर निकलें, लेकिन ये तो मास्क एक ऐसा कपड़ा है जो वायरस भगाता है, लेकिन भ्रष्टाचार का वायरस कब भागेगा? ऐसा मास्क कौन कहाँ से लेके खरीद कर लाऊं मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शहर का ये बीचों बीच ऐसा पार्क जहाँ घास नहीं, बिना घास का पार्क, वाह, बिना घास का पार्क कहीं आपने देखा है? नहीं देखा तो देखिएगा। और शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पर बाबा जी की, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पे आज जो बुत लगा है, और सबसे बड़ी बात बुत ही छोटा कर दिया। और इस बारे में मैंने बात की थी, तब विधायक नहीं बने थे डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने, तो उन्होंने कहा था कि हम बुत की कद ऊंचा करवाएंगे। फिलहाल ये इनका बुत का कद कब ऊंचा होगा और कैसे ऐसे सज्जन का कद ऊंचा होगा जो इस महात्मा जो समान जो मैं समझता हूँ कि पूजनीय संविधान बनाया, लोगों की रक्षा के लिए संविधान बनाया, उनका बुत, उनका देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं सिगरेट के ये देख सकते हैं। और बता दें अगर ये सुंदर पार्क बना हो, फुहारे लगे हों या कुछ भी लगा हो, अच्छी लाइटिंग हो, तो कम से कम यहाँ पे ये इलाके के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आकर बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दिन यहीं पे कमाते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं रहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये चूहों के निशान हैं और ये सांपों का डेरा भी कह लें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चूहे ऐसे बिल बनाते हैं वहाँ सांप आते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कौन सी बिल है जहाँ पर इस पार्क का बिल पास नहीं हो पा रहा है, ऐसे कौन से घालमेल हैं जो यहाँ के काउंसलर, यहाँ के MLA, यहाँ के मैं कहूँ MP भी जिम्मेदार हैं, गुरजीत सिंह औजला भी जिम्मेदार हैं और मेयर करमजीत सिंह रिंटू अच्छे कर्म करें और कम से कम ये पार्क को ही संवार दें। और हम मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं कोमल मित्तल, वो अच्छा कोमल हो जाएं और कम से कम इस पार्क की हालत सुधार लें। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगवत के साथ समर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहंदे ने वो करके दिखांदे ने, अपना कीता होया हर वादा निभांदे ने, एक दो तीन चार नहीं बल्कि वीजिया दे ढेर लवांदे ने। ते हुन वीजिया दे ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि JP सिंह खुद आ रहे ने हुन मालवे दी धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश ता मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के JP सिंह ने कमिटमेंट कर दिती ता समझो तुहाडा वीजा पक्का ही है। ए नोट कर लो, JP सिंह मिलनगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।